हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पे आपके साथ मैं एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसका इंग्लिश वाला वर्जन जो है पहले ही आ चुका है। ये डैश कैम इंस्टॉलेशन के बारे में है। तो यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे कि डैश कैम को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है एक गाड़ी में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, तो यानी कि उसकी महत्वपूर्णता के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो टाटा हैरियर में करने जा रहे हैं डैश कैम को इंस्टॉलेशन। लेकिन उसके पहले डैश कैम का थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं। तो ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका दाम करीब करीब 14,000 रुपये है। ये रेड टाइगर ब्रांड का F7N कैमरा है जो कि 4K डुअल डैश कैम है। डुअल डैश कैम यानी कि एक जो है रियर कैमरा होगा, एक फ्रंट कैमरा होगा। तो ये है फ्रंट कैमरा और जो ऊपर वाला आप देख पा रहे हैं वो छोटा वाला रियर कैमरा है, यानी कि पीछे आप उसको इंस्टॉल करेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे 4K अल्ट्रा HD रिकॉर्डिंग विथ वाईफाई विथ GPS और इसका डेटा आप ऐप में भी देख सकते हैं। तो ये उस कैमरा के पीछे का है जो आप देख पा रहे हैं, उसमें स्क्रीन में इसी तरह से आपको फ़ोटो आएगा। तो यहाँ पे और भी सारा कुछ है इस कैमरा के बारे में। वैसे देखा जाए तो ये कैमरा काफ़ी महंगा है, लेकिन इसमें जो फंक्शन और फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि GPS और 4K अल्ट्रा HD रिकॉर्डिंग और ऐप इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से ये एक प्रीमियम कैमरा की कैटेगरी में आ जाता है। तो जब आप कैमरा खरीदेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उसके बॉक्स में मिल जाएंगी। दोस्तों बिना किसी देरी के अब काम शुरू किया जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डब्बा काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक है इस डब्बे का और ऊपर में F7N लिख दिया गया है जो कि कैमरा का एक मॉडल है शायद। और यहाँ पे मैं डब्बे को ओपन कर रहा हूँ। डब्बा थोड़ा सा एयर टाइट है, जैसा कि आप फ़ोन के डब्बे को अगर आप ओपन करते हैं तो वैसी ही फीलिंग आ रही है कुछ। तो यहाँ पे डब्बे पे साइड में भी एक ब्रांडिंग बनी हुई थी जो रेड टाइगर की ब्रांडिंग है। और ये रहा इसका डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के साथ दो फिल्म भी दिया गया है। इसको हम लोग देखेंगे इसका क्या करना है अभी। इसको हम लोग, ये कुछ स्टिकर टाइप का है तो इसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे बाद में कहीं पर अगर करना होगा तो। और ये रहा यूज़र मैनुअल जो बेसिकली हम फ़िलहाल के लिए तो साइड में रख देंगे और बाकी का अनबॉक्सिंग अभी कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों अगला आइटम जो निकाल रहा हूँ मैं ये है डैश कैम। तो जल्दी से इसको पैकेट से बाहर निकालते हैं। तो ये रहा आपका डैश कैम, आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर अभी लेबलिंग्स लगी हुई है जो स्क्रीन पे है, उस पर प्रोटेक्शन कवर लगा हुआ है, लेंस पे भी आगे प्रोटेक्शन कवर लगा हुआ है। और ये 4 पिन है, इसका कनेक्शन इसके जो माउंट है उससे होने वाला है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो कैमरा जो है काफ़ी नॉमिनल सा एक डिज़ाइन है, काफ़ी नॉमिनल सा इसका साइज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और एकदम छोटा भी नहीं है। तो अगर मैं इसको अपने हथेली पे रखूँगा तो ये कुछ इतना साइज़ है इस कैमरा का। तो इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं और ये निकालते हैं तीसरा आइटम। तो तीसरा आइटम यही है वो माउंट, ये जो है स्क्रीन पे जाके चिपक जाएगा और इसका नीचे वाला जो स्लाइडर है उसमें कैमरा स्लाइड हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो 4 पिन है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सक रहे हैं जैसे ही वो स्लाइड करके कैमरा जब फिक्स होगा तो वो 4 पिन वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। और उसका मेन पर्पस क्या है, वो 4 पिन क्या कर रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी जो है ये छोटा वाला बॉक्स जो निकला है, जो बड़े वाले बॉक्स से ये जो बॉक्स निकला है अभी इसको खोलते हैं, इसके अंदर क्या है ये देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे वायरिंग्स है और साथ साथ यहाँ पे एक और कैमरा है जो कि साइज़ में काफ़ी छोटा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा कैमरा है। तो ये जो कैमरा है ये कार के पीछे लगेगा, यानी कि ये रियर कैमरा है। अगर आप कार में चल रहे हैं तो डैश कैमरा जो है, डैश कैम बेसिकली जो है मेन कैमरा वो फ्रंट रिकॉर्डिंग करता है और ये पीछे वाला कैमरा जो बैक में भी जो भी एक्टिविटी हुआ या जो भी विज़न है उसको ये रिकॉर्ड करता है। वायरिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, मीन्स वायर का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है ताकि वायरिंग में दिक्कत ना हो सके। और ये जो है ये अडाप्टर है, आपको ये पता ही होगा, ये जनरली मोबाइल फ़ोन का भी जो कार का अडाप्टर रहता है वो ऐसा ही रहता है। तो इसको बेसिकली वहाँ पे ही कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड जो है वो कैमरा से कनेक्ट हो जाएगा। तो कैमरा में जो दूसरा एंड है वो इस जगह पे कनेक्ट होगा। ये कैमरा रहा और यहाँ पे इसका पोर्ट है कनेक्शन के लिए।
और ये वाला पोर्ट है इस कैमरा को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि पीछे वाला कैमरा को कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे तीन कनेक्शंस है, एक है रियर कैमरा का कनेक्शन जो कि 3.5 mm जैक के तौर पे है, और एक है पावर कनेक्शन पोर्ट, और बीच वाला है जो कि जहाँ पे आप कैमरा को माउंट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोटेक्शन फिल्म इसके ऊपर लगा हुआ है, ब्रांडिंग दी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये है स्टोरेज, माइक्रो एसडी कार्ड जो कि 128 GB का है। तो जितना ज़्यादा बड़ा स्टोरेज आप रखेंगे उतने ज़्यादा दिन का रिकॉर्डिंग जो है स्टोर रह पाएगा, और छोटा स्टोरेज यूनिट में भी ये काम कर जाएगा, लेकिन 128 GB का रहेगा तो उसमें पिछले 15 दिन का रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, या मे बी पिछले 30 दिन का रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कैसा क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली आपको अच्छे क्वालिटी में ही रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि आप बारीकियों को देख सकें अगर कुछ घटना होती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कार के अंदर, और कैमरा और सारे इक्विपमेंट्स रेडी हैं, और ये जो टूल देख रहे हैं ये आप शायद अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपने नहीं देखा होगा। ये बेसिकली वायर को राउट करने के लिए काम आता है। अब जैसे वायर को आपको अंदर पुश करना है तो आप इसके थ्रू उसको पुश कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटे से गणपति भी विराजमान है, तो जय गणपति पप्पा, लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वायरिंग। सबसे पहले तो इसको पावर एडाप्टर पावर पोर्ट पे कनेक्ट किया जाए। ये जो 12 वोल्ट का है ये है पावर सप्लाई। यहाँ पे हम एडाप्टर को इंसर्ट कर देंगे और वायर को कुछ इस तरह से राउट करेंगे। तो हैरियर का जो पावर सप्लाई पावर आउटलेट है वो दो सीट के बीच में है, जनरली बाकी गाड़ियों में मैंने यहाँ पे देखा है। तो बात ये है कि जब ये राउट होगा वायर तो ये बीच से जाएगा, लेकिन अगर आप इसे प्रोफेशनल से करवाते हैं वो शायद उसको अंदर की तरफ से राउट कर दें। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इस चीज़ को कैसे माउंट करना है। तो बेसिकली इसका दो काम हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैं इसको माउंट कर रहा हूँ तो वो जो मेटेलिक पिन्स थी वो भी कॉन्टेक्ट में आ रही है, और ये साथ साथ कैमरा को होल्ड भी करके रखा हुआ है। तो बेसिकली ऊपर वाला जो माउंटिंग सेक्शन है जो कैमरा को माउंट करके रखेगा, तो उसी के अंदर जो है GPS मॉड्यूल है, जिसके लिए कि वहाँ पे चार पिन्स आपने देखा था जो कि कॉन्टेक्ट में आके कैमरा के थ्रू वो पावर वहाँ तक जाएगी और GPS मॉड्यूल टर्न ऑन हो जाएगा। और कैमरा में पावर कहाँ से आएगी, तो कैमरा में पावर यहाँ से आएगी। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब जो है कैमरा ऑन हो चुका है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ड्राई रन करेंगे कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। और ये रहा बैक कैमरा, इसको भी हम लोग मेन कैमरा से कनेक्ट कर देंगे। तो सारे तीनों कनेक्शन इंटैक्ट हो गए बैक कैमरा के, जो कि 3.5 mm जैक वाली यहाँ पे सुविधा दी गई है, तो उसको वहाँ पे हमने पोर्ट पे कनेक्ट कर लिया। और ये एक माउंट जो है वो सेंटर में वो भी कनेक्ट हो गया है, तो GPS मॉड्यूल भी इनेबल हो गया हमारा। तो यहाँ पे माउंट बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, GPS मॉड्यूल भी इसी के अंदर है और ये माउंट जो है कैमरा को होल्ड भी करके रखेगा, तो ये सही है। और जो पावर है पावर हमने दे दिया है, अब हम लोग व्हीकल को स्टार्ट करेंगे ताकि कैमरा ऑन हो सके। और यहाँ इंजन इग्निशन, और ये हो गया कैमरा ऑन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमरा में स्क्रीन ऑन हो चुका है। अब हम इसका प्रोटेक्टिव फिल्म हटाएंगे, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का जगह है, और मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के ठीक बगल में जो है पावर बटन है, कैमरा का पावर बटन। और यहाँ पे स्क्रीन का प्रोटेक्टिव लेयर हमने हटा दिया है। और यहाँ पे क्या है कि जब भी आप मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो खुद से मेमोरी कार्ड को एक बार फॉर्मेट करेगा कैमरा, और फिर वो मेमोरी कार्ड रेडी हो जाएगा। तो आपके मेमोरी कार्ड में अगर पुराना कोई भी डेटा है, बेसिकली कोई भी ऐसा करेगा नहीं, बट अगर आप पुराना कोई डेटा है तो अगर आप उसको कैमरा में लगा रहे हो तो कैमरा उसको पूरा फॉर्मेट करेगा, फिर जाके वो रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। तो आप देख सक रहे हैं स्क्रीन काफ़ी ब्लर आ रहा है, वीडियो फीड काफ़ी ब्लर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन लेयर लगा हुआ है लेंस पे, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। तो ये आ गया हमारा वीडियो फीड।
4K UHD इस छोटे से स्क्रीन में आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट आप इसका डेटा अगर आप अपने लैपटॉप में या टीवी में देखेंगे तो वहाँ पे 4K UHD का डेटा आपको मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो यहाँ पे छोटा स्क्रीन है इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैंने बैक कैमरा भी कनेक्ट कर लिया है, बैक कैमरा का भी प्रोटेक्टिव फिल्म हटा दिया है, आप देख सक रहे हैं यहाँ पे जो है वीडियो फीड एकदम प्रॉपर है और रियल टाइम में है, कोई भी डिले नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात। और इन सब कैमरा में डिले होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हैपनिंग होता है या कुछ ऐसा अनहोनी घटना होती है तो वो एट द सेम टाइम करेक्ट एक एक सेकेंड जो है वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे अगर डिले होगा या लेटेंसी होगा रिकॉर्डिंग में तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा चीज़ों को समझने में, किसी भी चीज़ों की बारीकियों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी के लिए हम लोग कैमरा को बंद कर देते हैं और सारा कुछ डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और अब जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कैमरा को किस जगह फिक्स किया जाए, तो हम अभी वही प्लेस ढूंढ रहे हैं। और आप लोग जानते ही होंगे एज यूजुअल वो प्लेस जो है सेंटर में ही होता है हर गाड़ी में, उस जगह को आप अच्छे से क्लीन करें और वहाँ पे फिर उसको चिपका दें। तो इसी दौरान भैया मेरे बड़े भाई आपसे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, तो आइए इसे सुनते हैं। तो ये अभी आपके अपने सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या हो रहा है, क्रिमिनल मान कर चलिए कि नॉर्मल आदमी इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन लोगों को पता है कि सिस्टम को कैसे बीट करते हैं। तो अभी क्राइम बहुत बढ़ रहा है हर जगह, लोग आते हैं आपकी कार से टकरा जाते हैं और गिर जाएंगे आपके सामने, और उनका गैंग होता है, आपको लगेगा कि आप लोग दो चार लोग कार में हैं तो ये सब सिचुएशन संभाल लीजिएगा, बट ऐसा होता नहीं है, वो लोग 10 लोग होते हैं और सब आस पास रहेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि वो पार्ट ऑफ द पब्लिक हैं, और फिर आपको वो लोग अब्यूज करेंगे। एंड उनका अपना सेटिंग भी होता है बहुत जगह पर, पुलिस वालों से भी सेटिंग होता है, तो वो लोग भी जो पुलिस वाले आएंगे वो उन्हीं के दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और वो उस समय ड्यूटी पे होते हैं उस एरिया में, तो वो लोग फिर आपको डराएंगे। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ज़्यादा केस होगा आपको, ड्राइविंग और ये सब, फिर आपसे जितना मैक्सिमम हो सके वो लोग ले लेंगे। तो बेसिकली आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हैपनिंग्स होता है, आप रोड में ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होता है, तो बेसिकली आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों इस खास इन्फॉर्मेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आपका कैमरा माउंट हो जाए तो यहाँ पे आप पीछे से आके कंफर्म कर सकते हैं, विंड स्क्रीन के फ्रंट साइड से आप आके कंफर्म कर सकते हैं ये प्रॉपरली चिपका है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंदर में थोड़ा सा बबल रह गया है, बट वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कैमरा फिर भी वहाँ पर स्टेबल रहेगा। बेसिकली यहाँ पे भैया जो है उसको थोड़ा सा हिला के भी देख लिए, काफ़ी इंटैक्ट है वो। तो इस तरह से आप मीन्स फाइनल चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली चिपका है या नहीं। तो अब फिर अंदर से हम लोग एक व्यू देखते हैं कि कैसा लग रहा है कैमरा लगने के बाद। तो आप देख पा रहे हैं जो भी एंगल है आपको ऐसे सेट करना है, तो बेसिकली वर्टिकल एंगल आप एडजस्ट कर सकते हैं एनी टाइम, और जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो फिक्स रहेगा, मीन्स आप कैमरा को दायां या बायां की तरफ टर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे जो है कैमरा मूव हो सकता है। तो कैमरा का जो वायर है कुछ इस तरह से राउट होगा ऊपर से प्रॉपरली, और इसी टूल की मदद से आप उसको राउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग भाई थोड़े हैं नवसिखिए, तो यहाँ पे हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि अच्छे तरह से राउटिंग हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। हम लोग फिर भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग हैं आउट ऑफ स्टेशन, और इन द मीनवाइल हम लोग रुके हुए हैं जर्नी में, और उसी समय हम लोग कैमरा फिक्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ काफ़ी अच्छे से वायर अंदर हो गया है, नो इशू। अब वायर जो है ऊपर विंड स्क्रीन के साइड से आया ऊपर और अब जो है इस जगह से जाएगा वायर, जो कि बहुत क्रिटिकल जगह है। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटा सा एक रेक्टेंगुलर एरिया है, वहाँ पे एयर बैग है, तो एयर बैग वाला एरिया को आप ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए अपने से। बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है या फिर शोरूम में आप जाके अगर
इस राउटिंग को कराएं तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि एयरबैग वाली जगह को आप अगर डिस्टर्ब करेंगे तो एयरबैग उस समय भी निकल के आ सकता है बाहर, और फिर आपको अलग ही खर्चा पड़ जाएगा, 9 की लकड़ी 90 खर्च हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे अब जो है बाकी का जो राउटिंग है वो थोड़ा सा इस तरह से, हम लोग वो एयरबैग वाला पोर्शन में राउट नहीं किए वायर को अंदर से, लेकिन बाकी जो यहाँ पे रबराइज्ड ग्रिप है, जो बीडिंग है, उसके अंदर इस तरह से इसको राउट कर दिए। राउटिंग टूल काफ़ी अच्छा है, मीन्स बहुत इजी हुआ उसके थ्रू पूरे वायर को मीन्स अंदर पुश करने में। ये देखिए, अब यहाँ पे भी इस फाइबर जो है, प्लास्टिक जो है, उसके अंदर वायर चला जाता है और फिर अंदर से वो प्रॉपरली राउट होके जाएगा, जो कि हम लोगों से नहीं होने वाला है। हम लोगों ने काफ़ी ट्राई कर लिया, अब इसको जो है जब हम लोग वापस सिटी में लेके जाएंगे, वहाँ पे प्रोफेशनल से इसको करवाएंगे, उसके बाद फिलहाल के लिए ये वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग कुछ टेप वगैरह मार के इसको अभी फिलहाल के लिए फिक्स कर लेंगे। तो बेसिकली हमने डैश कैम इंस्टॉल कर लिया है पार्शियली, राउटिंग नहीं हो पाया है, और बैक कैमरा तो भाई और भी डिफ़िकल्ट है, पूरा पीछे से जो है, पीछे में वहाँ कैमरा फिक्स हो जाएगा, उसमें भी सेम 3M वाला स्टिकर है, डबल साइडेड टेप, और उसी तरह से वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर हम जब इंस्टॉल कर लिए हैं तो कुछ इस तरह से कैमरा की रिकॉर्डिंग है, और कैमरा का रिकॉर्डिंग साफ़ होने के लिए सिर्फ कैमरा का 4K होना ज़रूरी नहीं है, आपको विंड स्क्रीन भी साफ़ रखना होगा, तभी जाके रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। तो यहाँ तो मैं मोबाइल से जूम करके ले रहा हूँ, पीछे बैठा हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग है 4K अल्ट्रा HD। तो बेसिकली आप इस रिकॉर्डेड डेटा को अगर आप लैपटॉप में या किसी भी बड़े स्क्रीन पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी दिखेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेशनल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो के बारे में क्विक नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।